एक प्रचलित कहावत है, वर्तमान अच्छा तभी होता है जब भूत में नींव मजबूत रखी गई हो। बात साल 2012 की है। गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। उस जीत के साथ नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति के धुरंधरों को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के बड़े नेताओं को एक साइड में खड़ा कर दिया। माना जाता था कि मोदी से पहले तक राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्रियों की एंट्री बहुत कठिन काम है। उस वक्त बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे नामों का ही बोलबाला था। हर जगह इनका नाम ही आगे किया जाता था। लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सियासी कद तेजी से बढ़ा है। सत्ता की कमान लेने के आज 3 साल बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे कद्दावर नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। 10 साल बाद 2022 में इतिहास कुछ हद तक खुद को दोहराता नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के बाद कई जानकार सीएम योगी की तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं। हालांकि योगी दूसरी बार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, जबकि मोदी 3 बार गुजरात के सीएम रहे। लेकिन ये भी सच है कि गुजरात के मुकाबले उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। भारतीय राजनीति में ये कहावत है सालों से प्रचलित कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और एक महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश में आते हैं। मोदी और योगी की तुलना करने वाले इस तर्क को भी अपने बचाव में रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।